हे दोस्तों, सो इस वीडियो में मैं अपनी एक फ्रेंड की पेंटिंग बनाने वाली हूँ जो कि मैं काफ़ी टाइम से बनाना चाहती थी, बट फाइनली बना रही हूँ क्योंकि उसका बर्थडे आने वाला है और ये हम उसको गिफ्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं आउटलाइन से, जो कि मैंने पहले ही बना दी थी। पर जब भी आप किसी आउटलाइन को फ्रेश आई से देखते हो, कुछ टाइम बाद देखते हो, तो आपको उसमें मिस्टेक्स नज़र आती है, इसलिए एक बार फाइनल पेंट करने से पहले हमें आउटलाइंस भी चेक कर लेना चाहिए। और ये साथ में हम पेपर रख देते हैं उससे पहले कि हमारी टेबल भी साथ में पेंट हो जाए। इसके लिए हम एक्रेलिक कलर्स यूज़ करेंगे और अभी जो भी मेरे पास एक्रेलिक कलर्स है ना, मैं वो सारे मिक्स करके यूज़ करूँगी। और अगर आप जानना चाहते हो कि ये कौन सी शीट है जिस पर मैं काम कर रही हूँ, तो ये ऑयल शीट है जिसके ऊपर मैंने जैसो अप्लाई किया है और उसके बाद मैं इसमें एक्रेलिक पेंट करूँगी। इससे पहले इस तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट मैंने पहले भी किए हुए हैं, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था कि पेपर का टेक्सचर कैसे रहने वाला है। और सीरियसली इसका रिज़ल्ट अच्छा है, मतलब अभी तो मुझे बहुत सही लग रहा है कि क्योंकि मैं बहुत अच्छे से लेयर बाय लेयर्स काम कर पा रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने नॉर्मल शीट्स पे भी काम किया है, बट हम उसमें इतने अच्छे से लेयर बाय लेयर्स पेंटिंग नहीं कर पाते जितना हम किसी टेक्सचर वाली शीट पे यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ पेंटिंग के फाइनल रिजल्ट को देखने के लिए और मेरी फ्रेंड के एक्सप्रेशन देखने के लिए भी। तो एंड में देखते हैं कि उसका एक्सप्रेशन कैसा रहेगा। और मेरे हिसाब से ये पेंटिंग ना 40-50% कंप्लीट हो गई है और ये इसका मिडिल स्टेज है, और मिडिल स्टेज हमेशा बहुत कन्फ्यूजिंग रहता है मेरे लिए। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मेरी पेंटिंग ख़राब हो गई, बट ऐसे नहीं होता है। अब मेरे हिसाब से ये पेंटिंग काफ़ी कंप्लीट हो चुकी है और इसमें बस मुझे थोड़ा बहुत फिनिशिंग देनी है और कुछ हाइलाइट्स एरिया। सो इट्स डन फाइनली, और अभी रात की 3:30 बज रही है। तो अब हम रिमूव करेंगे इसकी मास्किंग टेप, जो कि बहुत ही सुकून वाला पल होता है हर एक आर्टिस्ट के लिए। ओपन करो।